हेलो एवरीवन, मेरा नाम विश्व रंजन मानती है। मैं एक प्रोस्टेट ऑर्थोटिस्ट हूँ, एक रिहेबिलिटेशन का प्रोफेशनल हूँ। आज हम जो टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं वो है आपका एबोव नी का स्टम्प बैंडेजिंग। लास्ट वीडियो में हम डिस्कशन किए थे कि स्टम्प बैंडेजिंग क्यों किया जाएगा और उसका एडवांटेजेस और बेनिफिट्स क्या है। चलिए अभी एबोव नी का स्टम्प बैंडेजिंग के बारे में बात करेंगे। तो एबोव नी का स्टम्प बैंडेजिंग जानने से पहले आपको पता होना चाहिए कि स्टम्प बैंडेजिंग किस किस दो तरीका होता उसमें रहता है। दो तरीके से आपसे स्टम्प बैंडेज किया जा सकता है। एक होता है आपका क्रेप बैंडेज, आप मार्केट से इस टाइप का क्रेप बैंडेज लेके आ सकते हैं और उससे आप क्रेप बैंडेज स्टम्प बैंडेज किया जा सकता है। अगर एबोवनी का स्टम्प बैंडेज किया जा रहा है तो आप कर रहे हैं तो आपको मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप दो स्टम्प बैंडेज लेके क्रेप बैंडेज लेके आइए और दोनों को स्टिच करवाइए ताकि थोड़ा उसका लेंथ बढ़ जाएगा। तो अगर लंबा स्टम्प है, लेंथ थोड़ा बड़ा है तो उसमें ये बहुत काम आता है और थोड़ा बड़ा रहेगा तो आपको बैंडेज करने में बहुत ईजी रहता है। और सेकंड जो टाइप का है वो है आपका कंप्रेशन स्टॉकिंग्स। ये इस टाइप का कंप्रेशन स्टॉकिंग्स रहता है जिसको जो कि पहनना भी बहुत ईजी रहता है। इसको हम लोग सेकंड नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टाइम में बात करेंगे। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है आपको क्रेप बैंडेज चाहिए, क्रेप बैंडेज। और बेसिकली एबोव नी केस में मैं रिकमेंड करता हूँ कि हमेशा दो बैंडेज को हमेशा भी स्टिच करो। देखिए दो बैंडेज है, दो क्रेप बैंडेज है, मैं उसको स्टिच कर दिया हूँ तो ताकि थोड़ा लंबा होना चाहिए। अगर बड़ा है, अगर स्टम्प लेंथ बड़ा है तो डेफिनेटली आपको दोनों क्रेप बैंडेज को स्टिच करके करना चाहिए। और अभी चलिए दिखाते हैं कैसा क्रेप बैंडेज किया जाता है, तो उसको हम लोग दिखाते हैं। इसको पकड़िए यहाँ पे, इसको ये आपका पहले हम यहाँ से बांधेंगे वेस्ट रीजन में, टाइट करके बांधेंगे। यहाँ पे हम उल्टे टू लेयर, दो लेयर लेने के बाद और बाकी अब देखिए कैसा होता है। नीचे नीचे इसको बांधने का हम ऊपर में इसलिए बांधते हैं ताकि आपका जो स्टम्प होता है, क्या होता है एबोनी स्टम्प में, तो स्टम्प जो अबडक्शन हो जाता है, आपका जो मिड लेंथ से बाहर चला जाए टेंडेंस है। अगर हम इस टाइप का हम लोग बांधेंगे विथ वेस्ट के हिसाब से हम लोग बांधेंगे, पहला चीज़ है कि हमारा स्टम्प जो है, हमारा जो स्टम्प है स्टम्प का शेप में रहेगा। और सेकेंड थिंग है कि इसका जो जो आपका जो अबडक्शन है, अबडक्शन कम होगा, अबडक्शन नहीं होगा स्टम्प, तो पोजीशन मेंटेन होकर रहेगा। तो उसी हिसाब से आपको स्टम्प बैंडेजिंग करिए। ये एक टाइप का है, इसको क्रेप बैंडेज के हिसाब से स्टम्प बैंडेजिंग। क्रेप बैंडेज का बेनिफिट्स क्या है कि हमको जितना टाइट चाहिए, जितना जो जगह पर जितना टाइट चाहिए हम उतने जोर से उसको टाइट करवा सकते हैं। लेकिन इसका डिसएडवांटेज क्या है कि आप कुछ टाइम यूज करने के बाद, कुछ टाइम के बाद ये क्या होता है, लूज होता है और नीचे चला जाता है। तो इसको आपको बार बार थोड़ा देखना पड़ता है कि टाइट है या नहीं है। अगर लूज हुआ आपको फिर से उसको निकाल के फिर से टाइट करना पड़ सकता है।
तो ये हो गया आपका क्रेब बैंडेज को लेके, कैसा क्रेब बैंडेज को लेके स्टम्प बैंडेजिंग कैसे किया जाएगा। अभी बताता हूँ कि कैसा जो बात करेंगे कि कैसा कॉम्प्रेसिव स्टॉकिंग अगर पहनेंगे तो उस हिसाब से उसको कैसा आप लोग पहन सकते हैं, और उस हिसाब से कैसे कस्टमाइज करके पहनेंगे तो वो आपका बहुत और अच्छा बेनिफिट दे सकता है।